तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टेंट वाटर हीटर है, ठंड के मौसम में किचन में हमारी लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे हम ठंड में बर्तन को गरम गरम पानी से धोते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, ख़ासकर लेडीज़ के लिए किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला ये प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये प्रोडक्ट है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें शॉक लगता है, मीन्स कभी कभी हल्का सा अगर आपने जैसे इस पर लगाया तो एक करंट मारता है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से करंट आता है, तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो बिना कोई देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इंस्टेंट वाटर हीटर हमारे घर में, ख़ास करके ठंड के मौसम में, जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, जो कि हमारे किचन में यूज़ होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, शायद आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई हो या आपके साथ ये प्रॉब्लम अभी हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद बर्तन धोना स्टार्ट करते हैं, करंट लगता है, मीन्स शॉक लगता है। क्यों ऐसा होता है, किस वजह से होता है और कैसे हम इसको ठीक करेंगे, इस वीडियो में आज हम आपको यही दिखाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको दिखाते हैं कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है वो इंस्टेंट वाटर हीटर। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर करंट आ रहा है, जब भी हम कोई भी चीज़ वॉश कर रहे हैं, मीन्स बर्तन को वॉश करते हैं, तो एक हल्की सी झनझनाहट लगती है, करंट सा लगता है। तो बहुत आसान है, आप इसको खुद अपने घर में खोल के आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ये लॉक लगे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ये लॉक लगे हैं, इन लॉक को हमको खोलना है। तो हम लोग पहले इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने खोल लिया। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये एक एलिमेंट लगा हुआ है और आपको करना ये है कि आप इन दोनों तारों को आपको कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दो तार लगे थे इनको हमने, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए कट कर लिया है। अब हम करेंगे क्या कि इस वाले वायर को यहाँ पर लगा देंगे एलिमेंट के इस वाली पॉइंट पर। ये वाला वायर हमारा कोई काम का नहीं है, एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग हटा देंगे और हटाने के बाद हम लोग यहाँ पर ये दोनों तार को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों तारों को हमने यहाँ पे जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद अब हम इस पॉइंट पे इसको लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तार को लगा दिया। अब आप लोग फिर से समझ लें कि जो हमारा इस इंस्टेंट वाटर हीटर में करंट आ रहा था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे जो दो तार अंदर एक निडिल लगी हुई है, उस निडिल पे गए हुए। करना ये है कि आप इन दोनों तारों को यहाँ से कट कर देना है और कट करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर इस तार को जोड़ देना है। बस आपका ये जो कनेक्शन है इसको हटा देना है। जब आप ये हटा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा कितनी आसानी से हम लोग ने खुद अपने घर के अंदर रह के इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपको किसी मैकेनिक को बुलाने की या पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।